मिसाइल एक साथ गिरेंगी तो क्या होगा? ईरान के एक हमले ने 1 अक्टूबर को पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया है। इतनी मिसाइल से एक साथ बचाएगा कौन? इतने बड़े हमले के बाद इजराइल के सामने सबसे बड़ा सवाल ये मिसाइल नहीं बल्कि नेतन्याहू के सामने इससे भी बड़ा चैलेंज खड़ा हो चुका है। दक्षिण लेबनान में शुरू हुआ इजराइल का ग्राउंड ऑपरेशन शुरू होने के साथ ही फंस चुका है। हिजबुल्ला ने बॉर्डर पार करने वाली इजराइल की कमांडो यूनिट पर बड़ा हमला किया और उसको खदेड़ दिया। मीडिया में ऐसा दावा किया जा रहा है कि इजराइल का ग्राउंड ऑपरेशन पहले दिन फेल हो गया है। इसमें कोई शक नहीं कि लेबनान इजराइल बॉर्डर पर बड़ी लड़ाई शुरू हो चुकी है। हिजबुल्ला को जड़ से खत्म करने वाला ऑपरेशन इजराइल ने लॉन्च किया, इसका वीडियो भी भेजा। लेकिन जब ईरान 1 अक्टूबर को इजराइल के मिलिट्री बेस पर मिसाइल दाग रहा था, तब लेबनान इजराइल बॉर्डर पर एक बहुत ही खतरनाक ऑपरेशन जारी था। हिजबुल्ला का दावा है कि उसने इजरायली कमांडो को ओदेसा और कफार किला के इलाके में बड़ी टक्कर दी है। उसके कई कमांडो मारे गए हैं, कई घायल हुए हैं। पॉइंट ब्लैंक रेंज से भी हमले का दावा किया गया है। एक तरफ नेतन्याहू का लेबनान के खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशन है तो दूसरी तरफ ईरान की तरफ से इजराइल पर मिसाइल अटैक। इजराइल इस वक्त बहुत ज्यादा प्रेशर में है। इजराइल को तेहरान को भी जवाब देना है और लेबनान में भी ऑपरेशन करना है। नेतन्याहू इस वक्त कई मोर्चों पर घिर चुके हैं। इस खबर से बाइडेन बहुत ज्यादा बेचैन है और आगे इस युद्ध का अंजाम क्या होगा इसे लेकर मॉस्को में बैठे व्लादिमीर पुतिन भी टेंशन में है। इस वक्त दुनिया में 4 पावर सेंटर तैयार हो चुके हैं जो इस युद्ध का फैसला करेंगे। वॉशिंगटन DC में व्हाइट हाउस, क्या अमेरिका इसराइल की मदद के लिए डायरेक्ट इस युद्ध में कूदेगा? इसराइल की राजधानी तेल अवीव में क्या फैसला होने वाला है? तीसरा शहर ईरान की राजधानी तेहरान, जहां सुप्रीम लीडर अली खामनेई का वॉर रूम बड़े फैसले ले सकता है। और चौथा शहर है रूस की कैपिटल मॉस्को, जहां से अब सिर्फ यूक्रेन नहीं बल्कि ईरान इसराइल के मोर्चे को भी मैसेज पहुंचाया जा सकता है। इस वक्त पूरा पश्चिम एशिया महायुद्ध के जलते हुए तवे पर बैठा हुआ है। नीचे आग सुलग रही है। बम, मिसाइलों और ड्रोन के हमलों से इस बार ऐसी तबाही की गारंटी दी जा रही है कि तेल अवीव से लेकर तेहरान तक दहशत फैली हुई है। ईरान के हमले के बाद अब गेंद इसराइल के पाले में है और नेतन्याहू लगातार मीटिंग करके पूछ रहे हैं कि ईरान को कैसे जवाब दिया जाए, हिजबुल्ला को कैसे खत्म किया जाए। Y en el caso de Líbano insistimos en que la invasión terrestre debe detenerse, ya que han llegado informaciones muy preocupantes esta mañana, y España está firmemente comprometida con la aplicación de la resolución 1701 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Esta resolución sigue conteniendo a día de hoy todos los elementos necesarios para resolver esta crisis. 2024 में सितंबर का महीना पश्चिम एशिया में नई आग लेकर आया, जब बेरूत में हिजबुल्ला चीफ हसन नसरल्ला को इजराइल ने एयर स्ट्राइक में खत्म कर दिया। इसके बाद 1 अक्टूबर को ही ईरान ने इजराइल पर हमला कर दिया। सवाल है कि क्या इसी महीने अमेरिका और रूस भी इस युद्ध में कूदेंगे और महायुद्ध शुरू हो जाएगा? इस वक्त ईरान और इजराइल 2 कैंपों में बटे हुए हैं। इसे महाशक्तियों की टक्कर कहा जा सकता है। एक तरफ अमेरिका है तो दूसरी तरफ रूस है, और यही दुनिया का सबसे बड़ा खौफ भी है, क्योंकि अमेरिका इसराइल के साथ है और रूस ईरान के साथ। ये चारों ताकत ऐसी हैं कि इनकी टक्कर वर्ल्ड वॉर की वजह बन सकती है। अमेरिका ने इसराइल को गोले बारूद की सप्लाई पिछले कुछ महीनों में तेज की है। बंकर बस्टर से लेकर हर तरह का बम इसराइल को सप्लाई किया गया है। लेकिन 1 अक्टूबर की रात को ईरान के मिसाइल अटैक ने साबित कर दिया कि इजराइल चाहे जिसकी मदद ले, जिससे हथियार ले, कोई भी उसकी ढाल बने, ईरान नसरल्ला से लेकर हानिया सबका बदला अकेले अपने दम पर ले सकता है। अब सब कुछ नेतन्याहू के वॉर रूम पर निर्भर करता है। वो क्या फैसले लेंगे? क्या इजराइल कुछ बड़ा करने की सोच रहा है? क्योंकि इजराइल के सामने चुनौती सिर्फ ईरान नहीं बल्कि 4 मैदान है जहां युद्ध एक्टिव मोड में चल रहा है। पहला फ्रंट गाजा है, जहां इजराइल हमास से लड़ रहा है। दूसरा फ्रंट लेबनान है, जहां इजराइल हिजबुल्ला से लड़ रहा है। तीसरा फ्रंट यमन है, जहां इजराइल हूती के अड्डों पर
बमबारी कर चुका है। अब चौथा फ्रंट इराक बन सकता है क्योंकि इराक में ईरान के समर्थन वाला मिलिशिया गुट हशद अल शाबी भी एक्टिव हो गया है। जब ईरान की मिसाइल इसराइल पर गिर रही थी तभी यमन में भी हूती अपनी कुद्स 5 मिसाइल इसराइल पर फायर कर रहे थे। ان القوات المسلحه اليمنيه تبارك عمليه الوعد الصادق الايرانيه الثانيه ضد العدو الاسرائيلي وتؤكد استعدادها للمشاركه في اي عمليات عسكريه مشتركه ضد العدو الاسرائيلي انتصارا للشعبين الفلسطيني واللبناني وردا على اي عدوان اسرائيلي يطال جبهات الاسناد। मोर्चे बढ़ने से इसराइल के ग्राउंड ऑपरेशन की कामयाबी पर सवाल उठने लगे हैं। 1 अक्टूबर की रात ईरान के मिसाइल अटैक ने इसराइल के ग्राउंड ऑपरेशन को मुश्किल में डाल दिया है। अमेरिका को भी खतरा है कि इसराइल का हाल फिर वर्ष 2000 और 2006 जैसा ना हो। अमेरिका पहले भी कह चुका है कि वो नहीं चाहता कि गाजा के अलावा इसराइल किसी दूसरे फ्रंट पर लड़ने के लिए मजबूर हो जाए। I think it's certainly not very realistic because that was the claim in 2006 with the other war on Hezbollah in the south of Lebanon, and it took almost a month to get ceasefire and end of the aggression on both sides. So I think it's going to take a long time, particularly that ground invasion will involve element of Hezbollah who are very well trained in guerrilla warfare. 2006 में हिजबुल्ला इतना मजबूत नहीं था लेकिन उसने अपने दम पर इसराइल को सीज फायर के लिए मजबूर कर दिया था। यही वजह है कि इसराइल अमेरिका से इस बार भी पूरा बैकअप चाहता है। नेतन्याहू लेबनान में घुसकर हिजबुल्ला को कोने कोने से खत्म करना चाहते हैं। इसे आप नेतन्याहू का ऑपरेशन ऑल आउट भी कह सकते हैं। लेकिन इससे पहले ही ईरान ने कर दी इसराइल पर सर्जिकल मिसाइल स्ट्राइक।